नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल निनाद पर। दोस्तों, देवाधिदेव महादेव की नगरी काशी तीनों लोकों से नारी है। यहाँ जन्म प्राप्त करना बड़े सौभाग्य की बात है और उससे भी बड़े सौभाग्य की बात है यहाँ की पंचक्रोशी यात्रा को करना। काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर विराजती है, इसके कण कण में शिव का वास है। पूरे काशी खंड को बाबा विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग स्वरूप मानकर इसकी यात्रा की गई है, जो कि 5 कोस की होती है और ये 5 दिनों में पूरी की जाती है। लेकिन श्रद्धालु इसे अपनी श्रद्धा के अनुसार 4 दिन, 3 दिन या 1 दिन में भी पूरी करते हैं। इस पूरी यात्रा के दौरान दाहिनी ओर पड़ने वाले पूरे क्षेत्र को ज्योतिर्लिंग स्वरूप मानकर इसकी प्रतिष्ठा की गई है। इस यात्रा के दौरान कुल 111 देवी देवताओं के मंदिर हैं, जिनमें से 5 प्रमुख हैं और उन्हीं 5 प्रमुख मंदिरों में से तीसरा मंदिर रामेश्वर मंदिर है, जिसके आज हम आपको दर्शन करवाएंगे। यही हमारी आज की यात्रा का केंद्र बिंदु है, तो आइए आपको दर्शन करवाते हैं ऐसे ही एक ऐतिहासिक पौराणिक मंदिर का। यहाँ की विशेषता जानते हैं, यहाँ की ऐतिहासिकता के बारे में आपको जानकारी देते हैं। आइए आपको दर्शन करवाते हैं। वरुणा के सुरम्य तट पर पक्षियों के कलरव से अनुगूंजित परिक्षेत्र में परम पावन रामेश्वर मंदिर स्थित है। आइए मंदिर के भीतर चलते हैं। ये है मंदिर का विशाल मुख्य द्वार। लाल पत्थर से बने इस द्वार की ऊंचाई करीब 40 फीट और चौड़ाई करीब 10 फीट है। द्वार के दोनों ओर पत्थरों पर दानदाताओं के नाम उकेरे गए हैं। और ये हैं भगवान रामेश्वर के वाहन नंदी महाराज। दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मंदिर के गर्भगृह का मुख्य द्वार है, जिसके दोनों ओर हाथ में दंड लिए हुए भगवान शिव के गण विराजमान हैं। और इसके शीर्ष पर गणाध्यक्ष गणेश विराजित हैं। आइए गर्भगृह में चलते हैं। ये आप दर्शन कर रहे हैं रामेश्वर महादेव का, और इसके आगे की जानकारी आपको देंगे आशुतोष शास्त्री। धन्यवाद मनोरमा जी। सभी दर्शकों को आशुतोष शास्त्री का नमस्कार। दर्शकों, ऋषि वाल्मीकि द्वारा रचित आनंद रामायण के यात्रा कांड के 6ठे सर्ग में रामेश्वर शिवलिंग का वर्णन प्राप्त होता है। कहा जाता है, लंका विजय और राज्याभिषेक के बाद एक दिन माता सीता ने भगवान राम से गंगा यात्रा पर चलने की प्रार्थना की। भगवान प्रजा सहित अयोध्या से गंगा यात्रा के लिए निकले। मार्ग में कुंभोदर मुनि का आक्षेप सुनकर श्री राम ने तीर्थ यात्रा का संकल्प लिया और प्रयाग होते हुए काशी पहुंचे। काशी में भगवान विश्वनाथ ने स्वयं प्रकट होकर उनका स्वागत किया। अपने आराध्य के प्रति श्रद्धा निवेदित करने के लिए भगवान श्री राम ने बालुका से इस रामेश्वर शिवलिंग की स्थापना की। इस संदर्भ में विशेष जानकारी देते हुए मंदिर के पुजारी श्री अनूप तिवारी ने बताया, तो भगवान रामचंद्र जी प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करते रहे, तो उन्होंने कहा हम काशी में क्यों ना पार्थिव ही स्थापित करें। तो वरुणा से एक मुट्ठी बालू लेकर के उन्होंने पार्थिव शिवलिंग बनाकर के स्थापित कर दिया। तो सभी लोगों ने पूछा कि प्रभु आपने किसकी स्थापना की है, क्या नाम होगा, लोग कैसे आएंगे। तो भगवान राम जी ने कहा कि हमारे कुलगुरु वशिष्ठ जी हैं और
उत्तम मुहूर्त में इन्होंने स्थापित करने के लिए कहा और हमने अपने इष्ट देव भगवान शिव जी को स्थापित किया है। शिव जी प्रकट हो गए। शिव जी कहने लगे, नहीं, आप मेरे आराध्य हैं, आप स्थापित हुए। तो भगवान राम बोले, नहीं नहीं, हमने आपका आवाहन किया, आप स्थापित हैं। परस्पर दोनों एक दूसरे को लोग कहने लगे, राम जी शिव जी को, शिव जी राम जी को। तो वहाँ उपस्थित सभी ऋषिगण और उनके भ्रातागण हंसने लगे कि हम लोग आज तक सुने थे कि आप एक दूसरे के सेवक हैं, एक दूसरे के स्वामी हैं, एक दूसरे के सखा हैं, परंतु आज देख करके धन्य हो गए। तो भगवान राम जी ने कहा, वहाँ गुरु की मर्यादा को उन्होंने स्थान दिया। उन्होंने कहा, हमारे कुलगुरु वशिष्ठ जी यहाँ उपस्थित हैं, यह जो निर्णय कर देंगे वो सर्वमान्य होगा। तो उन्होंने बोला, यहाँ का नाम रामेश्वर होगा और आप दोनों लोग इसी शिवलिंग में स्थापित हो जाइए। तो गुरु की आज्ञा मान करके उस सूक्ष्म स्वरूप रूप में दोनों देवगण स्थापित हो गए। दर्शकों, रामेश्वर धाम की ये विशेषता है कि यहाँ भगवान को 12 महीने तुलसी चढ़ाया जाता है और श्वेत तिल से भगवान का पूजन किया जाता है। भगवान के मुख्य गर्भगृह के बगल में ये है माता तुलजा भवानी का मंदिर। पूर्वाभिमुख यह विग्रह माता तुलजा भवानी का स्वयंभू विग्रह है। और दाहिनी ओर स्थित मूर्ति माता दुर्गा की है, जिनकी स्थापना नाटोर की रानी भवानी ने किया था। माता के ये दोनों विग्रह परम तेजस्वी और प्रत्येक मनोकामना को पूर्ण करने वाले हैं। स्थानीय नागरिक इन्हें अपने कुल देवी और क्षेत्र की संरक्षिका मानते हैं। दर्शकों, मंदिर परिसर में ही ये भगवान श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी के साथ ही उनके पार्श्व में हनुमान जी की भी प्रतिमा है, जिनका पूजन अधिक मास में पुरुषोत्तम भगवान के रूप में किया जाता है। और दर्शकों, मुख्य मंदिर के सम्मुख स्थित ये हैं अग्निश्वर महादेव जी। दर्शकों, यह आप देख रहे हैं गुप्तकालीन मूर्तिकला का अत्यंत उत्कृष्ट उदाहरण, ये आदमकद प्रतिमाएं। गांधार मूर्ति कला से मिलती जुलती शैली की प्रतिमाएं करीब 800 से 1600 ईसा पूर्व की हैं। प्राचीन काल में आदमकद मूर्तियों की स्थापना कर उनकी पूजा का विधान शास्त्रों में प्राप्त होता है और भगवान दत्तात्रेय, लक्ष्मण, श्री राम, जानकी, हनुमान, श्री गणेश, भगवान ऋषिंग, काल भैरव और सूर्य नारायण की ये प्रतिमाएं उसी विधान का अंग प्रतीत होती हैं।
दर्शकों, ये आप देख रहे हैं मंदिर परिसर में अवस्थित साक्षी विनायक का विग्रह। त्रेता युग में स्थापित भगवान रामेश्वर के वर्तमान मंदिर का निर्माण संवत 1703 में महाराजा सिंधिया और उनके वंशजों ने कराया था। बाद में महारानी अहिल्याबाई ने भी शेष कार्य पूर्ण कराया। मुख्य मंडप का यह बाहरी भाग सिंधिया वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। शिखर के चारों ओर चार दिशाओं में पीतल के कलश स्थापित हैं। इस मंदिर का निर्माण ग्वालियर में उकेरे गए लाल पत्थरों से किया गया है। मंदिर के नीचे पक्का घाट बना हुआ है। और यहीं पर वरुणा आरती के लिए पक्का मंच भी है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को यहाँ सुप्रसिद्ध लोटा भंडा मेले का आयोजन होता है, जिसमें नहसंतान दंपति दाल बाटी चोखा बनाकर भगवान को भोग अर्पित करते हैं और उनसे अपने लिए संतान प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, आज का सफर बस यहीं तक। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इस श्रृंखला के अगले वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द किसी और बहुत महत्वपूर्ण यात्रा के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। नमस्कार।